खुशी एंड सौर्य वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। खुशी और सौर्य अपने मामा के घर, ठीक है ना, अपने ननिहाल जाते हैं समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियों में। गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाते हैं? नानी के घर जाते हैं, मामा के घर जाते हैं, ठीक है ना। अंकल मिस चाचा भी होगा, देखेंगे। देयर अंकल इज अ फार्मर, देयर अंकल इज अ फार्मर, उसके मामा क्या है? किसान है। वन डे दे सा सम टूल्स लाइक स्पेड, सिकल, सोवेल, प्लाउ, इटीसी। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ हथियार देखा, जैसे स्पेड, खुरपी, सिकल, हसिया, ठीक है ना, सोवेल, फावड़ा, प्लाउ, हल, ठीक है ना। खेत में उन्होंने क्या देखा? कुछ हथियार देखा। वो हथियार क्या क्या थे? खुरपी, हसुआ, सोवेल, फावड़ा, हल, और भी हथियार देखे होंगे। देसा अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म, उन्होंने देखा कि एक स्वस्थ फसल खेत में, स्वस्थ फसल उगा हुआ है। एग्रीकल्चर द साइंस दैट डील विथ ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चर। साइंस का वह पार्ट जिसके अंदर हम प्लांट्स और एनिमल के ग्रोथ को स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर बोलेंगे, कृषि बोलेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर इंक्लूडेड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, ठीक है ना। एग्रीकल्चर में हम क्या पढ़ते हैं? फसल की बुआई, ठीक है ना। ग्रोविंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, फसल बढ़ेगा उसकी देखभाल हम करेंगे, ठीक है ना, और उसको जब हार्वेस्ट करेंगे, कटाई करेंगे, इस चीज़ की भी स्टडी हम एग्रीकल्चर के अंदर ही करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। क्रॉप, सेम काइंड ऑफ प्लांट आर ग्रोन इन अ फील्ड इन लार्ज नंबर इज कॉल्ड क्रॉप। जब किसी खेत में एक ही प्रकार के ढेर सारे पौधे जब उगाए जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं, फसल कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए धान की खेती हुई है, तो धान में, ठीक है ना, सारे पौधे किस चीज़ के रहेंगे? धान के रहेंगे। मान लीजिए वीट, गेहूं की खेती हुई है, तो उसमें सारे पौधे किस चीज़ के रहेंगे? गेहूं के रहेंगे, ठीक है। क्रॉप आर ग्रोन बाई फिगर फार्मर, सॉरी, फसल किसके द्वारा उगाया जाता है? किसानों द्वारा उगाया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप आर ग्रोन इन वेरियस सीजन, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के जो फसल हैं अलग अलग मौसम में उगाए जाते हैं। हम आगे देखेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ क्रॉप, देयर आर मेनली थ्री टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोन इन आवर कंट्री। मुख्य रूप से हमारे देश में तीन फसल उगाए जाते हैं। फर्स्ट रबी क्रॉप, रबी क्रॉप आर ग्रोन ड्यूरिंग विंटर सीजन। रबी की फसल जाड़े के मौसम में उगाई जाती है, ठीक है ना। इट इंक्लूडेड वीट, मस्टर्ड, शुगर केन एंड ग्राम इटीसी। इसमें गेहूं, सरसों, चना, गन्ना, इन सब की खेती कब की जाती है? रबी सीजन में की जाती है। खरीफ क्रॉप क्या है देखेंगे। खरीफ क्रॉप आर ग्रोन इन रेनी सीजन। खरीफ की फसल कब तैयार की जाती है? रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में, ठीक है। इट इंक्लूडेड बाजरा, कॉर्न, ग्राउंडनट, मैजे, कॉटन। इसमें बाजरा, मक्का, ये सब जो है ये कब तैयार किए जाते हैं? खरीफ, ये क्रॉप है, खरीफ की फसल है, ठीक है। अब हम देखेंगे जायद की फसल। जायद की फसल क्या होती है? जायद क्रॉप आर ग्रोन बिटवीन विंटर एंड रेनी सीजन। ऐसे फसल जो जाड़े और बरसात के बीच में तैयार किए जाते हैं उनको क्या बोलेंगे? जायद क्रॉप बोलेंगे। जायद क्रॉप आर ग्रोन इन बिटवीन विंटर एंड रेनी सीजन। इट इंक्लूडेड
ककंबर, वाटरमेलन, बस्कमेलन, इसमें खीरा, ककड़ी, तरबूज, नाशपाती, ये सब किस मौसम में तैयार होते हैं? कि ये कौन से फसल कहलाते हैं? जायद के फसल कहलाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है देखेंगे। क्रॉप रोटेशन अल्टरनेट ग्रोविंग ऑफ सीरियल्स क्रॉप आर पल्सेज क्रॉप टू मेंटेन सॉइल न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन, ठीक है। अलग अलग फसलों को बारी बारी से जब हम खेत में उगाते हैं, ठीक है, अनाज को, दाल को, तो इससे क्या होते हैं, जो उसके पौष्टिक वो रहते हैं, मिट्टी के उर्वरता जो होती है वो बरकरार रहती है, ठीक है ना। तो इस चीज को ही हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन, माने अलग अलग फसलों का उगाना, ठीक है ना। जब अलग अलग हम फसलों को बारी बारी से अलग अलग, कभी धान, कभी गेहूं, कभी चना, कभी दाल, कभी कुछ बोते हैं ना ऐसे, तो इसको ही कहते हैं क्रॉप रोटेशन, ठीक है। अब देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब हो गया भैया बहन पशुपालन। द ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर विच डील विद द फीडिंग शेल्टर हेल्थ एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन, पशुपालन एग्रीकल्चर का, कृषि का वह भाग है जिसमें हम पशुओं को खाने, देखभाल, स्वास्थ्य, रहने और हर चीज को पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, ठीक है। भैया बहन अब हम देखेंगे पॉइंट टू रिमेंबर द साइंस दैट डील विद ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर्ट कार्ड एग्रीकल्चर। साइंस का वह पार्ट जिसमें हम पौधों और जानवरों के ग्रोथ, रहन सहन, उसके खाने पीने की चिंता सब कुछ पढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर, कृषि कहते हैं। द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन इन अ फील्ड इन लार्ज नंबर ऑफ कॉल्ड लार्ज नंबर इज कॉल्ड क्रॉप। जब किसी खेत में एक ही प्रकार के ढेर सारे पौधे लगाए जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉप बोलेंगे, फसल बोलेंगे। रबी क्रॉप आर ग्रोन इन विंटर सीजन। रबी की जो फसल है कब तैयार होती है, विंटर सीजन में तैयार होती है, ठीक है। खरीफ क्रॉप, खरीफ की जो फसल है ये कब तैयार होती है, रैनी सीजन में तैयार होती है, ठीक है ना। जायद क्रॉप, जायद की जो फसल है, जायद क्रॉप आर ग्रोन बिटवीन विंटर एंड रैनी सीजन। जायद की जो फसल है ये कब तैयार होती है, विंटर और रैनी सीजन के ठीक बीच में तैयार होती है, ठीक है। क्रॉप रोटेशन इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जो क्रॉप रोटेशन होता है, हम अलग अलग अनाजों को खेत में उगाते हैं तो इससे क्या होता है, क्रॉप रोटेशन होता है। और क्रॉप रोटेशन से क्या होती है, जो मिट्टी की उर्वरता है, जो उपजाऊ क्षमता है, वो क्या होती है, बढ़ती है। रियरिंग ऑफ एनिमल इन अ लार्ज स्केल एंड प्रोवाइड देम फूड शेल्टर इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है ना। किसी ज़्यादा मात्रा में पशुओं को पालना, ठीक है ना, उनको भोजन देना, उनको आश्रय देना, उनके स्वास्थ्य की चिंता करना, इसी को क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।